हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मॉरिज में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो वाई 75 डिवाइस के अंदर आप फ्री वॉलपेपर डाउनलोड एंड अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों आप अपने फ़ोन में फ्री वॉलपेपर डाउनलोड एंड अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों जैसे होता है आपके फ़ोन में वॉलपेपर कम है या वॉलपेपर आपको पसंद नहीं आते हैं, तो आप और भी वॉलपेपर अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं। आप कहीं से वॉलपेपर डाउनलोड करते हैं तो आपको पर्चेस करने को आता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको कोई पर्चेस नहीं करना है, आप अपने फ़ोन से फ्री वॉलपेपर डाउनलोड एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, सिंपल आपको अपने फ़ोन के सेटिंग से डाउनलोड करना है और इसके बाद आप अपने फ़ोन में बहुत सारे वॉलपेपर डाउनलोड करके रख पाओगे। उसको कैसे रखोगे इसका पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए अपने सेटिंग में चलते हैं, वहाँ से आपको बताते हैं कि इस तरह से आपको अपने फ़ोन में फ्री वॉलपेपर डाउनलोड एंड अप्लाई करना है। दोस्तों इसके लिए आपको फर्स्ट नंबर अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो आप जैसे सेटिंग को ओपन करेंगे, सेटिंग में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ी सी स्क्रॉल करना है और नीचे आना, नीचे आपको मिल जाता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कुछ सेटिंग है और यहाँ पे आपको बीच में मिलता है वॉलपेपर का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये वॉलपेपर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में जो भी वॉलपेपर होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आप देख रहे हैं सिस्टम वॉलपेपर, जो आपके फ़ोन में वॉलपेपर हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इसके अलावा आपके फ़ोन में जो डाउनलोड वॉलपेपर होंगे वो नीचे हो जाएंगे। आप देख रहे हैं नीचे ऐड हो जाएंगे, आप जितने भी वॉलपेपर डाउनलोड करोगे नीचे ऐड हो जाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर डाउनलोड है। इस तरह से आप अपने फ़ोन में बहुत सारे वॉलपेपर को डाउनलोड करके रख सकते हो। तो आप देख रहे हैं जो भी डाउनलोड करोगे यहाँ पर ऐड रहेगा, उसको बारी बारी आप चेंज करके अपने फ़ोन में यूज कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको अपने फ़ोटो, अपना फ़ोटो अपने स्क्रीन पर लगाना है या कोई भी वॉलपेपर अपने गैलरी का लगाना है आपको, तो यहाँ पर लोकल इमेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको वॉलपेपर डाउनलोड कैसे करना है, नीचे आपको मिल जाता है डाउनलोड मोर का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में थीम्स का एप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप अपने थीम्स के एप्लीकेशन से भी डायरेक्टली वॉलपेपर को डाउनलोड एंड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉलपेपर का ऑप्शन है और ये वॉलपेपर के ऑप्शन पे सिलेक्ट होगा। तो आपको वॉलपेपर के ऑप्शन पे नहीं सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे थीम्स के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन है, आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है, आपको इस पर सिलेक्ट करना है और नीचे जो आपके वॉलपेपर आ रहे थे उसके जगह पे अब यहाँ पे थीम्स आ जाएंगे। दोस्तों आप सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे वॉलपेपर डाउनलोड करने बता रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे थीम्स क्यों बता रहे हैं, तो ये चीज़ आपको एंड में पता लग जाएगा आपको कि क्यों इस तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको ऊपर में सर्च का ऑप्शन है, आपको वहाँ पर सर्च करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्री, आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है फ्री और इसको आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में बहुत सारे थीम्स आ रहे हैं फ्री, तो आपको क्या करना है किसी एक फ्री थीम्स को क्लिक कर लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री थीम्स है ये वाला, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में जो थीम्स है वो डाउनलोड करने को आ जाएगा। तो आपको इसको डाउनलोड नहीं करना है, आपको थोड़ी सी स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको नीचे मिल जाएगा वीवो ऑफिशियल का ऑप्शन, तो आपको क्या करना है इसके आगे मोर का बटन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है ये वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में बहुत सारे थीम्स आ जाएंगे, साथ में आपको वॉलपेपर का ऑप्शन है तो आपको वॉलपेपर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर आपके फ़ोन में आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे बहुत सारे वॉलपेपर आ रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री हैं, आप इनमें से किसी को भी अपने फ़ोन में डाउनलोड एंड अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सभी वॉलपेपर बिल्कुल फ्री हैं, इनमें से आप किसी को भी डाउनलोड करेंगे कोई पर्चेस करने को नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री हैं, आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं, आप अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे किसी एक वॉलपेपर को डाउनलोड करके अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे फ़ोन में ये डाउनलोड अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं ये वॉलपेपर काफ़ी अच्छा है और हम इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो वॉलपेपर है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं शो होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे आपको मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको डाउनलोड नाउ कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड नाउ कर देना है। जैसे आप इसको डाउनलोड नाउ करेंगे आपके फ़ोन में ये डाउनलोड होने लगेगा और तुरंत डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे और आपको फर्स्ट में मिल जाता है सेट टू लॉक स्क्रीन। अगर आपको वॉलपेपर कहाँ पे यूज़ करना है ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है,
अगर आपको अपने लॉक स्क्रीन पे यूज करना है तो आप अपने लॉक स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे करना है डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे और भी ऑप्शन है, आप जहाँ भी चाहें ऑप्शन में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट टू डेस्कटॉप, हम अपने होम स्क्रीन पे यूज करेंगे और यहाँ पे सेट टू डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। आप देख रहे हो ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, हमारे फ़ोन में जो वॉलपेपर है वो यूज हो रहा है, हमारे फ़ोन में ये अप्लाई हो चुका है। हम इसको यहाँ से कट करते हैं, अपने आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं जो हमारा वॉलपेपर है वो काम कर रहा है या नहीं। आप देख रहे हैं जो हमारा वॉलपेपर है यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, हमारे फ़ोन में यूज भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है वॉलपेपर। तो आप इस तरह से अपने फ़ोन में अच्छे अच्छे वॉलपेपर को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में फ्री वॉलपेपर डाउनलोड एंड अप्लाई करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।